दोस्तों, फरिंस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ सेवे रबड़ी कटोरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप भी इस बकरीद पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेवे रबड़ी कटोरी की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में रख सकते हो और नेक्स्ट डे सर्व कर सकते हो। सेवई रबड़ी कटोरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन ले लेंगे। गैस ऑन कर लिया है, स्लो फ्लेम पे रखा है। उसमें हम डालेंगे 300 ग्राम भुनी हुई सेवई। ये वही सेवई है जो हम डालते हैं शुरखुरमे में। हल्की सी रोस्टेड है, इसे हमें फिर से रोस्ट करना है। इसके लिए हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के देसी घी और कलर चेंज होने तक इसे हम भून लेंगे स्लो फ्लेम पर। हमें सेवई को स्लो फ्लेम पे ही भूनना है, हाई फ्लेम पे भूनोगे तो डार्क हो जाएगी, हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। इसे 2 से 3 मिनट में अच्छे से भून जाएगी। देखिए, भून लिया हमने सेवई को, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब डालेंगे इसमें हम 2 से 3 चुटकी भर के इलायची पाउडर, फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ मैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। अगर आपको इलायची पाउडर नहीं डालनी है तो आप रोज वाटर या फिर रोज एसेंस भी डाल सकते हो 2-3 बूंद। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी। सेवई को सॉफ्ट करने के लिए हमें पानी डालना है 2 से 3 टेबल स्पून भरकर, ज्यादा पानी नहीं डालना है। मिक्स कर लेना है अच्छे से। कर लिया हमने अच्छे से मिक्स। अब डालेंगे इसमें हम 2 टेबल स्पून भर के मिल्कमेड। आपको मिल्कमेड नहीं डालना है तो आप थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए इसमें। सेवई आपको जितनी मीठी चाहिए उस हिसाब से डालिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मिल्कमेड को। कर लिया हमने अच्छे से मिक्स। कर देंगे गैस को अब हम बंद और असेंबल कर लेंगे हम कटोरी। यहाँ पे मैंने स्टील की कटोरिया ले ली है, इसको मैंने क्लीन रैप लगाया ताकि कटोरी जब असेंबल हो जाए तो आसानी से निकल जाएगी। गर्मा गर्म सेवई की हमें कटोरी बनानी है, ठंडी होने के बाद नहीं बनानी है हमें, इसे नहीं बनेगी वरना। ये इस तरह से हमें सेवई डालकर इस तरह से असेंबल करना है कटोरी को, एकदम आसानी से बन जाती है ये। देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए हमें कटोरी बनानी है। अगर आपके पास क्लीन रैप नहीं है कटोरी में लगाने के लिए तो आप घी भी कर सकते हो इससे ग्रीस, उससे भी आसानी से निकल जाएगी। एक कटोरी हमने रेडी कर ली है, सारी कर लेंगे और रख देंगे इसे हम 2 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए फ्रिज में। अब बनाएंगे हम झटपट वाली रबड़ी। इसके लिए मैंने दूध रख दिया है फुल क्रीम वाला, आधा लीटर गर्म करने के लिए। दूध में जैसे उबाल आता है हम चम्मच चला लेंगे। अब डालेंगे इसमें हम 1/2 कप चीनी। रबड़ी आपको जितनी मीठी चाहिए उस हिसाब से आप चीनी डालिए। घोल लेंगे चीनी को अच्छे से। अब डालेंगे इसमें हम केसर, 1 चुटकी मैंने केसर डाला है इसमें। केसर से कलर भी अच्छा आएगा रबड़ी में और फ्लेवर भी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब डालेंगे इसमें हम मिल्क पाउडर, 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ मैं। इससे क्या होगा, तुरंत से हमारी रबड़ी बनके रेडी हो जाएगी, गाढ़ा होगा इससे दूध। धीरे धीरे हमें डालनी है एक हाथ से मिल्क पाउडर और एक हाथ से चम्मच चलाते जाना है ताकि गाटे ना हो मिल्क पाउडर की। डाल दी हमने सारी मिल्क पाउडर, अच्छे से घोल लेंगे इसे भी। दूध आधा होने तक हमें इसे पकाना है, अच्छे से गाढ़ा होने तक। मिल्क पाउडर डालिए इसलिए दूध तुरंत से गाढ़ा हो जाएगा। देखिए आधा हो चुका है दूध, कलर भी चेंज हो गया केसर की वजह से इसका, और पकते पकते भी गाढ़ी हो चुकी है। अब डालेंगे इसमें हम लंबे पीसेस में कटे हुए पिस्ता और बादाम। आप अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो इसमें या प्लेन भी रख सकते हो रबड़ी को। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर से 5 मिनट इसे हम पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। चम्मच चलाते हुए हमें पकाना है, बर्तन में चिपके नहीं रबड़ी। 5 मिनट पकाने के बाद गैस को कर देंगे हम बंद और रबड़ी को आने देंगे हम रूम टेम्परेचर पर और रख देंगे इसे भी हम 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। 2 घंटे के बाद मैंने सेवई कटोरी को निकाल लिया है फ्रिज से। आपको निकाल कर बताती हूँ कितने अच्छे से सेट हो गई है ये।
क्लीन रैप की वजह से एकदम आसानी से निकल चुकी है, ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है। ये देखिए कितने अच्छे से रेडी हो गई है। चारों कटोरी निकाल लेंगे हम सेवई की और रबड़ी को भी निकाल लेंगे हम। 2 घंटे हो चुके हैं फ्रिज में रखे हुए। देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है हमारी रबड़ी, मस्त बनी है एकदम। अब हम इसे करेंगे सर्व। सेवई की कटोरी में हम डालेंगे रबड़ी, अच्छे से भर के डालना है हमें दोनों कटोरी में। डाल दिया हमने। अब डालेंगे ऊपर से हम बारीक कटा हुआ पिस्ता गार्निशिंग के लिए और डालेंगे बादाम गार्निशिंग के लिए। सेवई रबड़ी कटोरी हमें कलरफुल चाहिए इसलिए मैंने डाला है ऊपर से टूटी फ्रूटी रेड वाली। सेवई रबड़ी कटोरी बनके हमारी रेडी हो चुकी है, खाने के लिए तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू।